देखिए जनता के चुनाव सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जनता का चुनाव नहीं होता। आपने कहा कि ये हट करके चुनाव होगा, तो सारे चुनाव हट करके होते हैं। क्या 2017 में भी तो आप ये कह रहे, 2017 में भी आप कह रहे थे कि आपका काम बोलता है। उम्मीदें थी कि भारतीय जनता पार्टी को, आम जनमानस को उम्मीदें नहीं थी कि इतनी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन हट करके चुनाव हुआ, बीजेपी इतनी शानदार प्रचंड बहुमत के साथ जीती। अरे सुनिए तो, हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी कैसे जीती, वो उसकी रणनीति थी, आपकी अपनी रणनीति थी। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि चुनाव सारे चुनाव अलग होते हैं और सारे चुनाव जनता के होते हैं। हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं आपको, जी यह बात आपको समझना जी, चाहिए। ठीक है, आएंगे आपके पास विजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे। मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूँ, हाँ, सही बोल रहे हैं, हाँ, सारे चुनाव जनता के होते हैं। ठीक है विजय दुबे जी, अब ये दावा किया जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है 80 सीटें जीत लेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है 80 सीटें जीत लेंगे, ये उनके अध्यक्ष साहब खुद कह रहे हैं, और अभी हमारे साथ जुड़े हुए अशोक तिवारी जी ये भी कह रहे हैं कि मुंह की खानी पड़ेगी बीजेपी को। 80 सीटें हैं, दोनों दावा कर रहे हैं, किसके खाते में कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं यूपी के, अगर परिदृश्य हम देखें तो? देखिए ये योगेश जी, अभी तक के जो दो संसदीय चुनाव हुए हैं, हाँ, दो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 14 का हुआ उसके बाद 19 हुआ, उन दोनों में तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या विपक्षी दल जो भी है, जिनके भी जो गठबंधन बने, उनके जो जो रिजल्ट आए वो आपके सामने हैं। आप हम सबने देखा है कि वो कितने प्रभावित थे और किस तरह से उन्होंने बीजेपी को काउंटर किया और किस तरीके से वो सक्सेस गेन कर पाए। ये जो लोकसभा के चुनाव है वो चुनाव बेसिकली राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं, वो न तो राज्य के चुनाव है और न ही कोई क्षेत्रीय चुनाव है। तो ये जब आप बड़े मुद्दे लेके आते हैं जो देश हित की बात करते हैं और देश से जुड़े हुए बड़ी समस्याओं का आप एक 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 पॉइंटर बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये बात तो समझनी होगी कि हम मोदी को जो काउंटर करने जा रहे हैं, जो बड़ा चेहरा है, जो 9 साल इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में पूरे किए हुए हैं, दो संसदीय चुनाव पूरी तरह से अपने फेवर में ले जाके के मोदी जी ने बीजेपी की सरकारें बनाई हैं, तो आप क्या नैरेटिव विपक्ष खड़ा कर रहा है मोदी या बीजेपी को काउंटर करने के लिए, आप वो बताइए। असल में देखिए होता क्या है कि आप अच्छा, तो लोगों